हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। सो जिस बुक की हम बात करने जा रहे हैं, उस बुक का नाम है विल यू स्टिल लव मी, और ये बुक लिखी है रविंद्र सिंह ने। सो फर्स्ट टाइम ये बुक 2018 में पब्लिश हुई थी। सो यहाँ से शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 1 की। अब होता क्या है ना, फरवरी की बात होती है, दोपहर का समय होता है। जो राजवीर होता है ना, उसने कैजुअल सी वाइट शर्ट पहन रखी होती है, ब्लू जीन्स पहन रखी होती है ना, और वो एयरक्राफ्ट में आया होता है। और जो इंडिगो की फ़्लाइट होती है ना, ये मुंबई से चंडीगढ़ जा रही होती है, और बिल्कुल सही टाइम पर होती है। और जो राजवीर होता है वो 28 साल का होता है, एकदम शक्ल से ही वो पंजाबी सा लगता है, हल्का हल्का उसका नो ब्राउन सा कलर होता है, लाइट ब्राउन सा, मॉडरेट ठीक ठाक उसकी हाइट भी होती है, और ना एकदम स्पाइक से बाल बना रखे होते हैं, उसने हल्की दाढ़ी भी होती है, और शाइनी सा ना एक कड़ा पहन रखा होता है उसने। जो भी उसकी पर्सनैलिटी होती है ना, वो काफ़ी मतलब साफ पता चल रहा होता है कि भाई वो पंजाबी है। और तो और जब वो हंसता था ना, तो उसके चेहरे पे डिम्पल भी पड़ जाते थे। अब वो जैसे ही फ्लाइट में आता है ना, जो कैबिन का क्रू होता है ना, वो उसको हेलो करके वेलकम करते हैं, और जो राजवीर है ना, वो भी उनको हेलो हाय कहता है, और जो अपने ग्लासेस होता है ना एविएटर्स, वो उनको उतारता है, अपनी सीट की तरफ जाने लगता है। अब जो राजवीर है ना, वो अपनी ट्रॉली को लेके जाता है अपनी सीट पे, और जो उसका ओवरहेड कंपार्टमेंट होता है ना, वहाँ पे अपना सामान रख देता है, और उसके बाद ना अपनी विंडो सीट पे बैठ जाता है। जो ट्रैवलिंग के टाइम पे ना, उसको जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद थी, वो थी उसकी प्यारी विंडो सीट, और वो ना हमेशा से बचपन से उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था। चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, या अपने परिवार के साथ वो कहीं पर भी जाता था ना, तो हमेशा विंडो सीट लेता था। और ये शायद यही बचपन का ऑब्सेशन, उसकी ज़िद आज तक चलती आ रही थी, वो आज भी विंडो सीट लेता था। अब दोपहर की बात है ना, वो अपने फ़ोन से तो टिकट बुक कर नहीं पा रहा था, तो उसको पता ही चला था, इंटरनेट कनेक्शन स्लो था, तो बुक नहीं कर पाया टिकट। लेकिन फाइनली जब वो यहाँ पे आया था एयरपोर्ट पे, तो उसको लास्ट टाइम पे ना विंडो सीट मिल गई थी। और ना जो विंडो सीट थी ना, उसका अलग ही मज़ा था। जब वो देखता था ना प्लेन कस के दौड़ रहा है रनवे पे, तो उसको बहुत अच्छा लगता था। वो हर टाइम ये देख के ना बहुत इन्जॉय होता था। उसको ऐसा लगता था ना कि मैं बहुत दुनिया से तेज़ भाग रहा हूँ। और सडनली जो बड़ी सी मशीन होती थी ना, जब वो उड़ना शुरू करती थी, तो उसको ऐसा लगता था ना कि उसने ग्रेविटी को हरा दिया। अब जो राजवीर होता है ना, उसके दिमाग में उसकी छोटी सी दुनिया में ना बचपन से यही चलता था। और तो ये चीज़ ना उसने कभी किसी को बताई भी नहीं थी। और जो उसका इमेजिनरी वर्ल्ड था ना, उसको ये सोचने पे बड़ा मजबूर और बड़ा अच्छा लगता था उसको, कि उसने ना ग्रेविटी को हरा दिया। और तो और वो ना एक ऐसा मतलब उसको खूब मजे आते थे, वो विंडो सीट पे लेता था। और हमेशा जब भी राजवीर ना उड़ने को जाता था, तो उसको ऐसा लगता था ना कि वो ग्रेविटी से जीत गया, और उसने जीत हासिल कर ली है। और जब भी वो मतलब टेक ऑफ करता था ना प्लेन, तो जो उसके पंजाबी वाली स्माइल थी ना, वो उसके चेहरे पे आ जाती थी। ये चीज़ उसने किसी को भी नहीं बताई थी। और जो उसके आसपास के पैसेंजर्स हुआ करते थे ना, वो सोचते थे ये हंस क्यों रहा है, मतलब ये देख के कि प्लेन टेक ऑफ हो गया। तो अब जो विंडो सीट होती है ना, उसका अलग ही मज़ा होता है दुनिया में। उसको सब कुछ देखने को मिलता है वहाँ से, बिल्कुल जूम व्यू, अलग ही बादलों के साथ बातें ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। और तो ये ना हमेशा से उसके लिए फैसिनेशन था। और जब प्लेन लैंड होने वाला होता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं कोई कैप्टन हूँ, जो कि दुनिया में घूम के ना वापस अर्थ की तरफ आ चुका है, कोई एस्ट्रोनॉट हूँ मैं। और ना जब वो नीचे प्लेन आता था ना, तो भी उसको अलग ही एक स्माइल से आ जाती थी। और ये सीक्रेट ना उसने आज तक कभी किसी के साथ बताया नहीं था। अब उस दोपहर को भी ना यही था। जो राजवीर था ना, वो बिल्कुल तैयार था कि उसको फिर से वो वही सब देखेगा अपनी ज़िंदगी में, प्लेन कैसे उड़ेगा, कैसे नीचे आएगा ना। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि वो ग्रेविटी को क्रश कर देगा। लेकिन इतने में क्या होता है ना, ये सब सोच ही रहा होता है, सडनली एक ना किसी औरत की आवाज़ आती है ना, वो उसको कहती है एक्सक्यूज़ मी। अब वो जैसे ही उसकी तरफ देखता है ना, तो वो जब देखता है कि वो आवाज़ आ कहाँ से दी है, तो एक ब्यूटीफुल खूबसूरत सी लड़की होती है ना, उसने ये आवाज़ दी होती है। वो जो साइड वाली सीट होती है ना, आइल सीट, वो वहाँ पे खड़ी होती है। जो बाकी पैसेंजर्स होते हैं, उनका रास्ता घेर रखा होता है उसने। उसने ना लॉन्ग स्कर्ट सी पहन रखी होती है, वाइट ब्लाउज पहन रखा होता है शॉर्ट स्लीव्स वाला, और जो उसका चेहरा होता है ना, वो काफ़ी मतलब गोरी होती है वो। अब वो कहती है एक्सक्यूज़ मी। अब जो राजवीर होता है ना, वो कहता है यस। तो वो कहती है ना कि क्या मैं आपसे एक फेवर ले सकती हूँ। अब जो उसकी बदामी सी आँखें होती है ना, जो राजवीर होता है वो उन्हीं में से उसको देख रहा होता है, और उसको देख के पता चल जाता है ना ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ की है, वो कहीं पे असम मिज़ोरम उस तरफ की। अब जो उसका काजल होता है ना, उसकी आँखों को और सुंदर बना रहा होता है, बिल्कुल राउंड सा चेहरा होता है उसका, और वो बहुत अच्छी लग रही होती है। और जो उसके लिप्स होते हैं ना, वो भी बड़े प्यारे से होते हैं, और जो उसकी पपी व आइज़ होती है ना, वो बड़ी सुंदर सी होती है। अब जो राजवीर होता है ना, वो कहता है विच मतलब ऐसे बोल ही रहा होता है। अब जो वो होती है ना, वो कहती है कि ये वाली मेरी सीट है, जो साइड वाली सीट होती है ना, उसको पॉइंट आउट करती हुई कहती है ये मेरी सीट है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर आप मेरे साथ सीट चेंज कर लो तो, मुझे ना एक्चुअली विंडो वाली सीट चाहिए। अब जो उसने ना एकदम अपोलोजेटिक सा फेस बनाया होता है ना, जो राजवीर होता है ना, वो बिल्कुल उसको देखता ही रह जाता है, उसके ग्लॉसी लिप्स को ना। और उसका जो मन होता है ना, वो कहता है नहीं 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 मुझे चेंज नहीं करनी, ना 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 मुझे चेंज नहीं करनी। अब वो ये ना वही चीज़ ज़ाहिर करना चाहता है, वो बस क्या कह रहा होता है ना,
अब उसकी तरफ देखता है ना, अब वो इतनी देर में क्या करती है ना, वो अपना नया दांव खेल देती है, वो कहती है प्लीज़। अब जब प्लीज़ करके बोलती है ना, तो भैया उसका सारे जो लॉजिक होते हैं ना राजवीर के, वो वहीं धरे के धरे रह जाते हैं और सब कुछ हो जाता है हाईजैक। अब वो कुछ नहीं कह पाता, और जो ना वो स्माइल करके कहती है ना, तो जो उसके सारे दांत दिखाई देते हैं तो उसको और अच्छा लगता है राजवीर को। अब जो राजवीर होता है ना, वो अपने सारे थॉट्स को कलेक्ट करता है कि मुझे ना कहना है, उसकी फीलिंग्स को मुझे हर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन वो ना कैरिड अवे हो जाता है, बह जाता है, क्योंकि उसके तीन रीजंस होते हैं। सबसे पहला, एक तो वो इतनी खूबसूरत होती है, दूसरा इतनी खूबसूरत लड़की होती है, और जितने भी रास्ते में पैसेंजर्स होते हैं ना, उन सबका रास्ता उसने रोक रखा होता है। और अगर ये दो रीज़न भी काफ़ी नहीं है ना, तो तीसरा रीज़न है कि आप मान ही जाओगे कि ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि जब ये वो खड़े होकर बात कर रही थी ना, जो एयर हॉस्टेस थी उसने देख लिया था कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो एयर हॉस्टेस भी इनकी तरफ आने लगती है। अब जो राजवीर होता है ना, उसको ये लगता है कि भाई ये आ जाएगी, ऐसे सवाल करेंगे तो फिर कहीं दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए ना वो चुपचाप ना हाँ कह देता है। अब इन सब चीज़ से ना उस पर प्रेशर पड़ रहा था, अब वो ना कुछ कह तो नहीं पाता, बस ओके कह देता है। अब कहीं ना उसका जो दिल होता है वो कहता है भाई ये सही नहीं है, ये मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। और वो क्या कहती है ना, वो कहती है थैंक यू सो मच, और ना वो हल्के हल्के ना उठने लगता है उस सीट से, ताकि वो आइल्स वाली सीट पे आ जाए। अब इतनी देर में क्या होता है, जो एयर हॉस्टेस होती है ना, वो देखती है कि ये लोग, इन लोगों ने मैटर सुलझा लिया ना, वो सबसे लास्ट में चली जाती है एयरक्राफ्ट के। अब जो राजवीर होता है ना, वो ना उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी जो फेवरेट सीट थी ना वो चली गई, और अपने मन में सवाल कर रहा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया यार। अब जो वो लड़की होती है ना, वो कहती है मैं वेट कर रही हूँ, है अब वो ना थोड़ा जाके जल्दी करे वो। अब वो देखता है ना कि भाई उसके पास ना कि कई सारा सामान भी था, वो भी था, लेकिन जब जिस हिसाब से वो रिक्वेस्ट कर रही थी ना, अब तो उसकी रिक्वेस्ट ही, मतलब जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन थे ना, वो बदल गया, चेहरे के रंग ढंग ही बदल गए अब। और अब उसकी चेहरों में ना, चेहरे पे ना आँखों में चमक भी आ गई थी। अब जो राजवीर होता है ना, वो हल्के हल्के ना उठ रहा होता है, तो उससे पूछता है अच्छा ये बताओ कि आपको विंडो सीट क्यों चाहिए। अब उसको पता होता है कि भाई जो गाड़ी थी ना वो तो निकल चुकी है, लेकिन खाली पूछना बेकार है, तभी वो पूछ लेता है। अब जो पीछे से ना एक उसके जो लड़की होती है ना, उसके पीछे अंकल खड़े होते हैं ताकि वो निकल सकें, तो वो कहते हैं वो भगवान कितनी देर खड़ा रहना पड़ेगा ना। अब तो फटाफट क्या करती है ना, वो कहती है कि ना रात को ना मैं सो नहीं पाई, अब मैं ना जो ये विंडो वाली सीट है ना, इस पर सरक के आराम से सोऊंगी। अब उसको ना कुछ सेकंड के लिए तो ऐसा लगता है ना कि भैया मेरे पीठ पे ना छुरा भोंका गया है। वो कहना तो चाहता है, बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन ना इतने सारे लोग खड़े होते हैं इसलिए वो कुछ कह भी नहीं पाता। अब जो राजवीर होता है ना, वो सोचता है कि मैं कहूँगा भी क्या, मैं सबको क्या बोलूँगा कि मैं विंडो सीट क्यों लेना चाहता हूँ। अगर ये बस होती ना, तो मैं झूठी कहानी सुना देता कि ना मुझे चक्कर आते हैं, मुझे उल्टी करनी है, लेकिन अब ये तो एयर बस है, यहाँ तो मैं ऐसा भी झूठा बहाना भी नहीं कह सकता। और वो ना अपने आप को लेकर आइल सीट पर बैठ जाता है, और जो लड़की होती है ना वो साइड में आ जाती है, जो पीछे के लोग होते हैं ना वो आगे जाने लगते हैं। अब जो उसके हाथ में ना सामान वामान होता है, वो सब सामान वामान को देखता है। अब जो राजवीर होता है ना, वो सोचता है चलो इससे थोड़े मजाक किया जाए। अब जो क्या होता है ना, जो राजवीर होता है वो कहता है ना, कई सारे जो लोग सफ़र करते हैं ना, उनको ये नहीं पता होता कितने सारे अनाउंसमेंट होते हैं कि अगर आपके पास सामान रखने की जगह नहीं है ना, तो आगे वाली सीट के नीचे रख सकते हो। अब ना ये मजाक में एक तरीके से सरकास्टिकली कहता है वो। अब जो लड़की होती है ना, वो कहती है अच्छा ऐसा है। अब जो राजवीर होता है ना, वो समझ चुका था कि भाई ये समझी नहीं है, तो अब खाली कोई फ़ायदा नहीं है इसको ऐसा करके। अब वो ना कहती है ग्रेट, अपनी ना सीट ले लेती है वो साइड वाली। अब ये ना कुछ चंद सेकंडों की बात होती है, कहाँ राजवीर इतना खुश था कि उसको विंडो सीट मिली है, लेकिन अब वो दुखी हो गया कि उसकी सीट हो गई एक्सचेंज। अब जो राजवीर होता है ना, वो बैठे बैठे अपने साइड से ना आँखों में देखता है, जो उसका बोर्डिंग पास होता है ना, उस पर नाम देखता है, तो उस पर लिखा हुआ होता है लवण्या गोगोई। अब जैसे वो देख रहा होता है ना, सडनली वो भी उसको देख लेती है, तो कहती है बाय द वे मेरा नाम लवण्या है। अब जो राजवीर होता है ना, वो एकदम से डर जाता है, उसको ये लगता है ना कि कहीं मैं इसका बोर्डिंग पास देख रहा था, इसलिए मुझे देख तो ली ना इसने। फिर ना वो रिलैक्स हो जाता है, अपना वो सारा जो सामान होती है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने पर्स में रखती है, और पर्स को साइड में रख देती है। अब जो राजवीर होता है ना, वो भी कहता है कि हाय मेरा नाम राजवीर है। और वैसे ना कोई उसका इंटेंशन नहीं होता कि उससे ज़्यादा ऑफर करे, क्योंकि अगर कोई और होता तो उससे हैंडशेक तो कर ही लेता, हाथ मिला लेता, लेकिन उसने उसे हाथ भी नहीं मिलाया। अब जो बोर्डिंग होती है ना, वो कंप्लीट हो चुकी होती है, और जो बीच वाली सीटें होती है ना, वो काफ़ी कम भरी होती है, और जो लवण्या और राजवीर होते हैं ना, वो अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। अब जैसे ही सब लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं ना, जो लवण्या होती है वो फटाफट अपने फ़ोन से ना किसी को मैसेज भेजती है, और जब प्लेन रनवे पे होता है ना, तो वो क्या करती है, मैगजीन होती है सामने सीट पॉकेट से ना, वो निकालती है और मैगजीन पढ़ना शुरू कर देती है। अब जो राजवीर होता है ना, वो बड़ा गुस्से में ना अपने मन में सोच रहा होता है कि अब इसकी नींद कहाँ गई है। जब जैसे ना एयरक्राफ्ट स्पीड पकड़ता है,
और ऊपर जाने लगता है ना, वो जो राजवीर होता है ना वो देख रहा होता है बाहर की क्या चल रहा है, खिड़की से बाहर देख रहा होता है। अब जो लवण्या होती है ना वो समझ जाती है कि भाई क्या हो रहा है, और वो ना साइड से जब देखती है तो वो उसी को देख रहा होता है, और वो ना सिर्फ उसको स्माइल कर देती है, वो बाहर देख रहा होता है प्लेन मतलब तेज़ी से चल रहा है, फिर टेक ऑफ करता है, और जब देखता है ना जब प्लेन उड़ने लगता है हवा में तो उसको बड़ी खुशी मिलती है, और राजवीर ना आराम से फिर सीट पर बैठ जाता है पीछे होके। अगले कुछ मिनट तक ना जो प्लेन की साउंड होती है ना वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती रहती है, क्योंकि प्लेन की साउंड बहुत ज़्यादा आ रही होती है, लेकिन उससे भी जो साउंड ज़्यादा चुभ रही होती है ना राजवीर के दिमाग में, राजवीर के दिल में, वो होती है जब वो मैगजीन के पन्ने पलट रही होती है। उसको ऐसा लगता है ना कि मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया गया है, और वो उस औरत से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, और उससे भी ज़्यादा नफरत ना वो अब खुद से करने लगा था कि उसने उसको अलाउ कर दिया कि मेरी विंडो सीट ले लो। अब जैसे जैसे वो ना पेज पलट रही थी, इसका कहीं ना कहीं गुस्सा भी बढ़ रहा था, और इसकी जो आंखें थी ना वो बड़ा गुस्से में आ रहा था कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ यार, ये यहाँ मैगजीन पढ़ने बैठी है, इसको तो नींद आ रही थी अभी तक, क्या बात। अब जो राजवीर होता है ना वो अपने आप को ना भटकाने के लिए क्या कहता है ना, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए इन सब चीज़ों से, वो थोड़ी देर ऐसे आगे पीछे होता है ना, और जो उसकी रिक्लाइनिंग वाली सीट होती है ना आराम से बैठ जाता है, और जैसी थोड़ी देर बैठता है ना उसके बाद उसको आ जाती है नींद। सो ये था इस चैप्टर में, एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।